अस्सलाम वालेकुम नाज्रीन आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल नादरन अहम तरीन कामयाबी पाकिस्तान को हुई यह खुश आपको बताना ज़रूरी था पाकिस्तान ने दुश्मन के अजाइम खाक में मिला दिए दुश्मन के अजायम का हाक में मिला दिए कितने बड़े नुकसान को पाकिस्तान ने बचा लिया गया अहम तरीन अदारे की इन्फॉर्मेशन ने दूसरी तरफ हजारा बरदरी के लिए पर हमला करने वाले मुलजमान के करीब तर पहुँच गई हमारे अदारे नादरी और एक अहम तरीन खबर पी डी एम के लिए आजकल कोई अच्छी ख़बरें नहीं आ रही क्योंकि उनका नेगेटिव बेहतर ना है अदारे मुखालफ बयानियों ने नुकसान दे रहा था तहाँ मुस्लिम लीग नून के लिए अहम ख़बर कहा जा रहा है कि हमज़ा शहबाज शरीफ जो तकरीबन कम ववा साल से डेढ़ साल से जेल में है एक दफ़ा भी हस्त का बहाना नहीं बनाया और जेल में उन्होंने सामना किया मुश्किल का उनकी अन करीब जमानत के आसार नज़र आ रहे हैं आइनी माहरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत का इम्कान है तहम इसका हतमी फैसला तो यकीन सुप्रीम कोर्ट करेगी तहम सलेमान शहबाज की लंदन में चंद अहम मुलाकातें भी किसी बड़ी पेशकदमी की तरफ जा रही है नादरीन सबसे पहले आपको अहम तरीन खबर बताएं। पाकिस्तान के दुश्मनों के अजाइम पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट ने किस तरह हाक में मिलाए आप जानते हैं नादरी चंद रोज कबल हजारा बरदरी के लोगों को शहीद कर दिया गया साजिश ये थी कि वो बेचारे जिनके अपने उनसे बिछड़ गए उन्होंने एहताज कर किया उनकी मईतों को रख के कि उनके कतलों को गिरफ्तार किया जाए अरसा दराज से उनके साथ साथम की जो दास्तं हो रही है उनके बेगुनाह लोगों को क़त्ल किया जा रहा है इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए इन दहशत गर्दों को पकड़ना चाहिए चाहे कोई बैरूनी हालात हालत हाथ हाथ में है या पाकिस्तानी ये वाक हुआ और वो लोग शहीद हो गए इन में तरीन बच्चे भी थे बगैर किसी सहारे के कईयों का सहारा बन रहे थे इसके बाद दहशत गर्दों ने जो बैरूनी इशारों पर जिसको प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं वफाकी वजीर भी कह चुके हैं उनके जायम यहां तक नहीं थे हर दार बरादरी के ग्यारह लोगों को शहीद करने का जब उसके बाद उन्हें पता चला के हजारा बरदरी के हमारे भाइयों ने बतौर एहत जो दो एक अरसद दराज से उनके साथ जुलम हो रहा है उनके हजारों लोगों की या सैकड़ों लोगों की शहादतें हो चुकी हैं जब उन्होंने मैतों को सड़क पर रख कर एहत करना चाहा और वजी अजम की आमद का मतालबा किया तो इस पर दुश्मन मुल्क हमसाया मुलक जो अरसदराज से पाकिस्तान में दहशत कर करा रहा है उसने ये फैसला किया उधर रबते किए उनकी कॉले ट्रेस हो गई उनकी कॉल ट्रेस हो गई टेलीफोन कॉल ट्रेस हो गई कि वजी अजम पाकिस्तान इमरान खान जैसे ही अपने प्यारों के गम में शरीक होने के लिए इस्लामाबाद से कोयटा आएंगे और हजारा बरदरी से के पास जाके उनसे जहार हमदर्दी के लिए करेंगे तो उस वक़्त धमाका करा के वजीर अजम को उसका निशाना बनाया जा सकता था इसके लिए हम साया मुल्क यानी भारत ने मुकम्मल तैयारी कर ली थी और एक काल के जरिए हमारे अहम तरीन अदारों ने जो दिन रात हजारा बरादरी के हमारे भाइयों के शहीदों के मुल्जमान की तलाश में हैं जो बलोचिस्तान के मुख्त इलाकों में छापे मार रहे हैं और अफगानिस्तान पर नजर रखे हुए हैं एक काल आई जिसमें कहा किसी को दो कुछ लोग पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं कि अगर वजीर आजम अपनी कौम अपने हजारा बरदरी के लोगों की के साथ हजारे यकजहित के लिए आते हैं तो उधर ब्लास्ट कराया जाए खुदकश हमला कराया जाए जिस पर काम करना शुरू कर दिया और वो ताने बाने सारे भारत और अफगानिस्तान में मिले जिस पर वजीर आजम कहा जा रहा है तैयार थे अगले दिन फौरी तौर पर बलुचिस्तान जाने के लिए कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को जिनके साथ जुलम की दास्तां हजारा बरदरी के साथ हो तो रही उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता मैं जाऊंगा तो उन्हें बताया गया कि सर यह ट्रेस हो चुकी है और दुश्मन ने एक साजिश के तहत ये जाल बुना है ताकि पाकिस्तान दुनिया को बताया जा सके कि पाकिस्तान में तो आम शहरी तो दूर की बात पाकिस्तान का वजीर अजम भी महफूज नहीं इस पर फिर वजीर अजम ने जाना चाह लेकिन ताहम फिर अहम तीन अदारे के लोगों ने उनसे मुलाकात करके उन्हें उस कॉल के बारे में जो टेलीफोन कॉल वजीर आजम के लिए जाल बिछाया गया था उसके बारे में हकायक बताए तो वजीर आजम ने मशावरत के बाद फिर अपने वज्रा को भेजा लेकिन तहम उनका काम बहुत बड़ा है हजारा बरदरी का उनकी तकलीफ बहुत ज्यादा है उन्हें तकलीफ है कि उनको अब से नहीं अरसद दराज से उनके खिलाफ जुलम हो रहा ज्यादाती हो रही है। और हमेशा दहशत पकड़े भी जाते हैं मारे जाते हैं लेकिन भारत फिर नहीं दहशतगर्द भेजता है या दानिश्ता या गैर दानिश्ता अफगानिस्तान के कुछ लोग उनके साथ मिले हुए हैं इस पर वजीर आजम सख्त कर्म में थे और उन्होंने पाक फौज को स्टैब्लिशमेंट को वहां की हिदायत की कि मुझे हजारा बरदरी पर जिन्होंने ये ग्रोना वार किया दिल खराश वारदात की उन्हें पकड़ा जाए उनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही जो अगर पाकिस्तान में वो लोग आते हैं तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे नाजरीन अगर खुदाना हास्ता हमारा जो हजारा बरदरी के लोग बैठे हैं अगर दुश्मन यहाँ तक पहुँचा कहा जा रहा है कि अब भी जो लोग मैत रख के एहत कर रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए इस्टेब्लिशमेंट के लोग सफेद यूनिफार्म में इर्द गिर्द दिन रात चौबीस घंटे ड्यूटी दे रहे हैं कि दुश्मन वो लवाहाकिन पर कोई खुदकश हमला ना करवा दें कोई टाइम डिवाइस से ब्लास्ट ना करा दें उनकी सख्त निगरानी की जा रही है उनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी को दस गुना एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है कि उनकी हिफाजत जो उधर एहत के लिए बैठे यकीनी बनाया जाए नाजरीन यकीन दुश्मन मुल्क भारत के लिए उनके जयम खाक में मिलना एक बहुत बड़ी नाकामी थी कि वो दुनिया को मैसेज देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान गैर महफूज हो चुका है लेकिन हमारे अहम अदारे ने उनकी कालें ट्रेस करके उनका लिंक ट्रेस करके किससे रबते हुए और बहुत जल्द ही अगर पाकिस्तान में उनके बंदे कुछ कहा जा रहा है कि पहाड़ों के में हैं उनकी तलाश जारी है और हज़ारा बरदरी के लवाकिन के लिए उनकी सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बना दिया है कि कोई भी दहशत उन मासूमों पर आकर अपना हमला ना कर सकें इसके बाद एक पाकिस्तान की सियासत की अहम तरीन पेश रफ्त हुई जिसको अभी तक मीडिया की नज़र में नहीं आ सका कहा जाता है कि सबक वज़ी अला पंजाब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज की लंदन में कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई अहम तरीन लोगों से अहम तरीन मुलाक़ातें हुई जिस पर सलमान शहबाज ने उन्हें बताया कि हमारे ख़ानदान के साथ का साथ देते हुए हमने कभी को नहीं नहीं किया और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ शिकायत की ना इंसाफी हो रही है कि हमजा शहबाज जेल में रहते हुए एक दफा भी उन्होंने बीमारी का कहकर हस्पतालों का सहारा नहीं लिया इस मौके पर कहा जाता है कि सलमान शहबाज ने नहायत बेहतर तरीके से मुस्लिम लीग नून का केस किया कि के ये हम एहतसाब के लिए तैयार है ताहम इतना डेढ़ साल से हमज़ा शहबाज जेल में हैं उसकी ज़मानत होनी चाहिए और अपने वालद के बारे में भी बताया कि हमारा मौकफ़ कभी भी, भी बयानियाँ अदारों के साथ टकराव पर नहीं है जिस पर उन्होंने कहा कि इसमें किसी को फ्रीक नहीं बनना जाएगा अगर अदालतें उनकी जमानत उनका हक है तो वो यकीन उनको देंगी क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं उनको दबाव में नहीं लाया जा सकता और ये यकीन दहानी कराई गई कि पाकिस्तान में अदालतें जो फैसला करती हैं इन और कानून के मुताबिक कहती हैं तो कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज की जमानत दायर कर दी गई है और बाज कानूनी माहरीन के साथ जब मेरी इस सिलसिले में तफसी गुफ्तु हुई तो उन्होंने उनके मुताबिक कि हमजा शबाज की इस ग्राउंड के डेढ़ साल उन्होंने जेल में गुजारा और कोई भी बहाना बनाकर हस्पताल में इलाज के बहाने नहीं गए या मुल्क से बाहर नहीं गए तो उनके लीगली तौर पर जमानत होने के 95 फाइव परसेंट चांसिस हैं और उनका केस कह रहा है क्योंकि एक डेढ़ साल वो बंदा कर चुका है और अभी तक तो उन्हें सजा नहीं हुई तो उनकी जमानत हो सकती है और ये शबाश्री फैमिली के लिए एक अच्छी खबर होगी यकीन हमजा शहबाज के बाहर आने से मरीम नवाज की सियासत थोड़ा सा पीछा चले जाएगी क्योंकि याद रखे कि दस साल इकतदार में शहबाज शरीफ साहब जजीर अला रहे आठ से अठारह तक हमज़ा शहबाज ने लोगों के मसाइल हल किए उनके साथ करीबी ताल्लुक रखे अगर वो बाहर आते हैं तो मरीम नवाज का बयानिया यकीन आहिस्ता आहिस्ता पीछे श्ट चले जाएगा और हमजा आने वाले दिनों में सियासत में अहम किरदार अदा करने की पोजिशन में होंगे और दूसरी तरफ सलमान शहबाज़ ने भी रता किया है कि उन पर जो मुकदमत हैं वो उनका सामना करना चाहते हैं तम उन्हें ये चाहिए कि कानून और आइन के मुताबिक उनके साथ हुआ जाए अगर जो अदालती रिलीफ़ उन्हें मिलना है मिलना चाहिए जिस पर बास यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कि मज़ीद अदालतों के काम में ना कोई इंटरफियरेंस करता था ना करेगा ताहम जो अदालती उन्हें रिलीफ़ देंगी उस पर अमल दरामद हुकूमत का करना ज़िम्मेदारी होगी दादी ने हमें यकीन है कि हजारा बरदरी के हमारे जो लोग शहीद हुए उनके लवाहाकिन भी महफूज रहेंगे ताहम एक दुश्मन की नदामत अफ़गानिस्तान में उनके ट्रेनिंग कैंप से तैयार होने वाले बंदे हजारा बरदरी के कतल बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और वज़ी अज़म ने यह भी पैगाम दिया है जो अहम तरीन खबर आपको बता दूं कि वहां के जो लवाकिन को के वो गवर्नर हाउस में आते हैं वो उनसे मुलाकात कर लें क्योंकि गवर्नर हाउस सेफ है उन लोगों को यह नहीं बताया गया कि दुश्मन मुल की कालें ट्रेस हो चुकी हैं और हो सकता है कि एक दो रोज में किसी भी वक्त अगर वह लवाकिन चाहें तो वजीर अजा पाकिस्तान इमरान हां बलोचिस्तान जाएंगे और गर्ना उसमें लवाकिन से मुलाकात करेंगे और उन्हें ये खबर भी बताएंगे उनके मासूम लोगों को कत्ल करने वालों के गिरद कितना घेरा तंग कर लिया गया और वो कितनी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे मौजूदा अहम तरीन सूरत हाल मैंने आपके गोच गुजार कर दी हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में आने वाला वक़्त बेहतर आएगा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा और अदारे इंडिपेंडेंट अपना काम करते रहेंगे नाजन आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तु अगर आपको पसंद आए तो उनका चैनल सब्सक्राइब करें अपने और अपने इर्द गिर् रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने बेल आइकन प्रेस कर लें जैसे ही नई वीडियो आए आप तक पहुंच जाए पाकिस्तान के दुश्मन यकीनन शख्स का सामना है पाकिस्तान जिंदाबाद